तो दोस्तों अभी है हम बेगूसराय धर्मशाला, जो सुइया के थोड़ी सी पहले है, जो कि यहाँ पे रोड दोनों क्रॉस करते हैं। तो वहाँ से अभी हम चलने वाले हैं सुइया पहाड़। आपको दिखाएंगे, अबरखा दिखाएंगे, कैसा अभी पथ का रास्ता है वो हम आपको दिखाएंगे, और कितने कवरिया चल रहे हैं पूरा दिखाने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, भाई को सपोर्ट करने के लिए स्क्रीन पे जो है फोन पे नंबर है, आप जरूर सपोर्ट करें, क्योंकि मैं आपको धूप हो या पानी हो प्रसाद हो, मैं फिर भी आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करने आता हूँ। और थोड़ी बाबा बैद्यनाथ धाम से मुझे आना पड़ता है, जिसके कारण काफ़ी जो है खर्च पड़ जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पूरा दिखाता हूँ कहाँ कहाँ शिविर होगा, वो सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा, कहाँ कहाँ प्रोग्राम होगा, वो सारी चीज़ आपको वीडियो के अंत में देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी जो है यहाँ पे एक आपको सिवान जो है, यहाँ पे सिवान एक शिविर मिलेगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप फ्री सेवा शिविर आपका यहाँ पे है, जो कि आप जस्ट बेगूसराय के बगल में ही मिलेगा। और अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम आपको दिखाएंगे आगे कहाँ कहाँ है। देख सकते हैं, आपको यहाँ बैनर भी लिखा हुआ है, सिवान शिविर सेवा शिविर। तो आगे चलते हैं और हम आपको ले चलते हैं, और हम आपको दिखाते हैं कहाँ कहाँ आपको सुविधाएं मिलेंगे, और कितना कवरिया बम अभी चल रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा भी कवरिया बम चल रहे हैं, जो कि आपको पूरे रास्ते में आपको देखने को मिलेगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको दिखाते जाऊंगा। और आगे जो है अभी जो है सुइया पहाड़ हम दिखाएंगे कैसा रहेगा। यहाँ बोल बम सेवा समिति जो जिला पूर्णिया के लगे हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, पानी वगैरह हर चीज़ यहाँ पे आपको फ्री में सेवा दे रहे हैं। और यहाँ पे रहने की भी सुविधाएं आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा है। ये पूर्णिया जो है, पूर्णिया वाला है, पूरे यहाँ पे आप रह सकते हैं, और सारा चीज़ यहाँ सुविधा है। और यहाँ पे रात्रि को प्रोग्राम यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, फिर इधर देखिए सूरीगढ़ डाक बम सेवा समिति, इधर देखिए सूरीगढ़ डाक बम सेवा समिति, इधर भी है लखीसराय। चलिए आगे चलते हैं। आगे सबसे पहले हमें शिवलोक मिलने वाले हैं, फिर आपको सुइया वगैरह आपको दिखाएंगे। बहुत बेहतर जो है इधर सुविधा है। चलिए हम चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे है एक रेंज शेल्टर, देख सकते हैं इधर, ये आपको पता होगा, यहाँ पे आप रुक सकते हैं। हम आपको अच्छी तरह से एक बार दिखा दें कि ये देख सकते हैं इधर जो है, इसमें जो है आप यहाँ पे ठहर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी देखिए इसमें कवरिया जो है चल रहे हैं, बहुत सारा दुकान जो है अभी नहीं खुला है, और बहुत सारा दुकान खुलने वाला है, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं आपको दिखाते चल रहा हूँ। कि अभी देखिए यहाँ आगे जो है कवरिया बहुत सारे चल रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो सेक हो रहा है क्योंकि रास्ता ही ऐसा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हिल रहा है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एकदम एक ज़रा सा भी सेक ना हो। चलिए हम चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, ताकि आपको अच्छी तरीके से वीडियो मिल जाए। यहाँ पे देखिए कवरिया बहुत सारे हैं, और यहाँ पे दुकान बहुत सारे बन भी रहे हैं। आगे देखिए दुकान जो बन रहे हैं, और इधर देखिए ये भी दुकान जो अभी बन रहा है, पूरा बना नहीं है और अभी बन ही रहा है, क्योंकि अभी देखिए कवरिया चलना शुरू हो गया, तो जिसके वजह से जो है कवरिया जो है अभी बनना स्टार्ट हो गया दुकान। अब इधर देखिए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे कवरिया जो है अभी भी चल रहे हैं। और आगे जो हम लोग को मिलेगा शिवलोक, ये वो दस पेशिया वाला शिवलोक नहीं है, सुइया पहाड़ वाला शिवलोक है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से जो हर जगह जो है बैरिकेड कर दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। मुझे जो है ना पीछे से जाने में बहुत दिक्कत हो रहा होगा, क्योंकि देख सकते हैं कवरिया बम को पता भी नहीं चलेगा कि गाड़ी किधर से आ रही है, इसी वजह से जो है थोड़ा सा दिक्कत तो होगा कवरिया भाई सबको और मुझे भी। उधर से आते हैं देवघर से तो बहुत बेहतर रहता है, क्योंकि आगे बम भी दिखते हैं और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग इस सुरंग को क्रॉस करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आपको दुकान लगा हुआ है, और इधर जो है बैरिकेड कर दिया है, रोड के साइड से आप नहीं जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं। लगातार जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर जगह जो है दुकान जो लगा हुआ है, और यहाँ से देखिए इस सुरंग से होते हुए सारे बम निकलने वाले हैं। बोल बम, बहुत बेहतर सुविधा है बम जीगों के लिए। चलिए आगे चलते हैं। बहुत सारा दुकान अभी नहीं खुला है और बहुत सारे खुल चुका है। अभी देखिए इस सुरंग से होते हुए हम लोग जाएंगे। अब ध्यान दे, ये देखिए ये हम लोग शिवलोक वाला सुरंग को पार कर रहे हैं। बहुत बेहतर सुविधा, यहाँ देखिए पूरा जो है दुकान यहाँ पे लगा हुआ है, और
बहुत बड़ा बड़ा दुकान यहाँ पे लगा हुआ रहता है ताकि आप ठहर सकते हैं। और एक जगह यहाँ पे जो है एक माहौल बना रहता है मार्केट का, आप देख सकते हैं यहाँ पे बजरंग होटल रेस्टोरेंट, ये शिवलोक का है। आगे यहाँ पे पूरा जो है ना, यहाँ पे हर दुकान रहता है। यहाँ पे देखते हैं शिविर है कि नहीं एक भी। और यहाँ पे शौचालय, स्नान घर, ये सारे चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे शौचालय स्नान घर है, आप इधर शौचालय स्नान घर जा सकते हैं। ये शिवलोक का है स्थिति, ठीक है। और इधर देखिए एक कवरिया के लिए सेवा शिविर, गोपालगंज कवरिया सेवा शिविर है। मैं आपको अच्छे से दिखा दूँ कि ये हमारा जो है गोपालगंज कवरिया सेवा शिविर है, ये गोपालगंज, ठीक है। यहाँ पूरा व्यवस्था है, यहाँ पे आप आराम से, यहाँ पे लेकिन प्रोग्राम वगैरह नहीं होता। तो आगे चलते हैं और आगे हम दिखाते हैं। इधर देखिए होटल वगैरह बहुत सारा है, यहाँ पे ठहरने के लिए किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आगे चलते हैं और आगे हम दिखाते हैं कि आगे और कहाँ क्या कुछ है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ से लगभग और भी थोड़ा दूर है जो कि हम लोग सुइया पहाड़ चलेंगे। ये देख सकते हैं बम जी यहाँ पे जा रहे हैं। फिर यहाँ से हम लोग को एक ढलान मिलेगा, उसके ढलान से हम लोग को नीचे जाना पड़ेगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह करके, इस तरह का बहुत सारा आपको मिलने वाला है। आराम से यहाँ पे उतरना पड़ेगा और किसी तरह का बम जी को किसी तरह का नुकसान ना हो, वरना बहुत महंगा पड़ जाएगा हमें। चलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे 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 चलें और बम जी को कवर करते हुए। देख सकते हैं पूरा जो है नीचे एकदम पूरा ढलान है और इस तरह करके हम लोग को चलना पड़ रहा है। देख सकते हैं हर जगह यहाँ पे भी काफ़ी दुकान है, किसी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। दुकान जो है लगातार सब जगह आपको देखने को मिलेगा, खाने पीने का सारा रेट 60 रुपये जो है खाना का रेट है, हर जगह 60 रुपये में ही आपको खाना मिलेगा, उससे ज़्यादा कहीं पे नहीं लिया जाएगा। चलिए चलते हैं आगे, 60 रुपया ही सब जगह खाना का प्राइस है। अब देखिए ये जो है हम लोग आगे जो है एक हमें शिविर मिलेंगे जो झाझा कैंप, और काफ़ी धूप है। देखिए अभी हम बता देते हैं कि अभी जो है धूप बहुत है, बारिश नहीं हुआ है इस वजह से धूप काफ़ी है, इस धूप में काफ़ी चलना मुश्किल है। और यहाँ पे देख सकते हैं बम जी, बोल बम, चलो बम चलो। देखिए यहाँ पे बम जी एक छोटू बम है जो चल नहीं पा रहे, धीरे धीरे चल रहे थे। आगे चलते हैं जगह थोड़ा सा, अभी जो धूप हो गया है तो बहुत सारे कवरिया बम जो है रुक जाएंगे और बहुत सारे कवरिया बम चलते रहेंगे। जिसको आदत है धूप में चलने का तो वो हमेशा चलते ही रहेंगे, जिसको आदत नहीं है वो रुक जाएंगे। बोल बम। और यहाँ से देखिए बहुत सारा दुकान अभी बन ही रहा है, बना नहीं है, बहुत सारा बन ही रहा है, आप देख सकते हैं बहुत। यहाँ पे इधर जो है ना मोड़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा है और बहुत सारे बम थक भी जाते हैं। इधर देखिए दुकान एक है और जगह जगह पे आपको दुकान जो है लगातार मिलता रहेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप घबराएं नहीं कि अगर आप आएंगे तो हमें दुकान मिलेगा कि नहीं और क्या क्या सुविधा मिलेगा कि नहीं। मैं लगातार आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर सुविधा जो है यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। जब तक आएंगे तो और भी सुविधा, ये तो शुरुआत है, शुरुआत में तो थोड़ी सी कठिनाई होती है, लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा बम सबको दिक्कत नहीं हुआ है, हर जगह जो बम को मिला है हर सुविधाएँ। और देखिए यहाँ पे भी एक दुकान जो है बन ही रहा है और बन जाएगा कुछ ही एक दो दिन के अंदर, ये भी दुकान बन के चालू हो जाएगा। बहुत सारे लेटली जो है ना तैयार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इस बार का बम चलेंगे कि नहीं चलेंगे। फिर जैसे बम चलना प्रारंभ कर दिए तो सब कोई दुकान खोलना स्टार्ट कर दिए हैं कि हमको दुकान खोलना है। तो चलिए अब यहाँ से हमारा एक शिविर है झाझा कैंप जो आपको अभी दिखने वाला है। झाझा कैंप, वैसे मैं आपको दिखाया भी था, यहाँ पे झाझा कैंप में आप रुक सकते हैं। यहाँ डाक बम सेवा, यहाँ पे देख सकते हैं डाक बम सेवा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ डाक बम सेवा, यहाँ पे आपको डाक बम सेवा यहाँ पे आपको मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको सेवा मिलेगा। यहाँ पे देखिए मड़वारी युवा मंच शाखा झाझा, झाझा कैंप है ये, देख सकते हैं ये कैंप, इधर वाला जो कैंप है झाझा कैंप है, यहाँ पे आप रुक सकते हैं।
तो चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा साउंड वगैरह हो रहा है तो कॉपीराइट के इसको वजह से जल्दी हमको निकलना पड़ेगा। अब देखिए कुछ बम जो है साइन लेके निकाल रहे हैं। चलिए हम इधर से जाते हैं, हर हर महादेव। तो देखिए बम जी, फिर हम शिविर से या सॉरी सुरंग से होते हुए जा रहे हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है। कवरिया सब साथ में है, तो पहले तो ये सब चालू नहीं था, तो हम आते थे तो ऐसे ही पैदल आना पड़ मतलब अकेले आना पड़ता था और काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता था। अब देखिए हमको इधर से पार होना है, तो चलिए अब यहाँ से जो है ना हमारा सुइया पहाड़ स्टार्ट होगा, ठीक है। और चढ़ाव कैसा रहेगा और कैसा वहाँ पे रहेगा सुइया पहाड़ में, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा जो वीडियो अच्छी तरीके से मैं दिखाऊँ। देख सकते हैं अभी बहुत सारा जो है दुकान बन रहा है, यहाँ पे एक शेड बन रहा है, मतलब कि ये एक शिविर बन रहा है और जो देखने को मिलेगा आपको कुछ दिन के बाद। अभी जो शिविर ये चालू नहीं हुआ, यहाँ पे जो सुइया पहाड़ के पहले जो है बहुत सारा बम सब देख सकते हैं यहाँ पे रुके हुए हैं। आगे चलते हैं, देख सकते हैं इधर भी काफ़ी दुकान है, ऐसा नहीं कि दुकान नहीं है, इधर भी काफ़ी दुकान है, आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। इधर हमें कुछ कुछ प्रशासन दिखे जो कि देख सकते हैं आ रहे हैं, प्रशासन हमें यहाँ पे कुछ कुछ दिखे हैं, लेकिन वो जो पूरे रास्ते में चलते हैं वो प्रशासन हमको नहीं दिख रहा है, जो कि काफ़ी झारखंड में आपको देखने को मिलेगा कि हर जगह जो है तत्पर रहेंगे किसी तरह का दिक्कत ना हो। वहाँ पे आपको झारखंड में जिस तरह देखने को मिलेंगे उस प्रकार से बिहार में नहीं है। वैसे भी अभी किसी तरह का दिक्कत तो अभी कवरिया सबको नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासन थोड़ी रहेंगे तो और ज़्यादा उनको सिक्योर महसूस करेंगे और किसी तरह का दिक्कत का सामना उनको करना नहीं पड़ेगा। अभी देखिए बहुत सारा जो है इधर दुकान वगैरह बनने वाला है और इधर देखिए दुकान तो बन चुका है। अब यहाँ से जो है ना वन क्षेत्र स्टार्ट हो गया, यहाँ से वन क्षेत्र प्रारंभ हो गया, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा सा चढ़ाव जो है ना ऊपर बन गया है, बालू बिछ गया है, इसलिए इन सबको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो रहा है। अदरवाइज काफ़ी जो है दिक्कत होता है इस चढ़ाव में, काफ़ी कंकड़ वगैरह इसमें बिछा हुआ था। अब देखिए इधर दुकान वगैरह भी जो है जो नहीं बना था वो बनना स्टार्ट हो गया है। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो दुकान जो है नहीं बना था वो सब दुकान जो है बनना प्रारंभ हो गया है। और यहाँ से जो है हमारा जो है अभी चढ़ाव था, फिर ढलान आएगा, फिर चढ़ाव होगा, फिर ढलान होगा, ऐसा ही आपको सुइया पहाड़ में मिलेगा। और यहाँ पे बालू बिछाने के कारण थोड़ी सी जो है राहत मिला है कवरिया को। और हम चलते हैं यहाँ से, ओ भाव बहुत ही इसमें हम लोग को धीरे धीरे चलना पड़ता है, इसमें नहीं चढ़ेगा एकदम सीधे ही चलना पड़ेगा। तो देख सकते हैं इसमें जब बारिश होगी तो और भी आपको मज़ा आएगा इसमें चलने में, क्योंकि इसमें पानी बहता हुआ रहेगा तो और भी आपको मज़ा आएगा। दूर तक आप देख सकते हैं कि सवेरे जो है इसमें काफ़ी कवरिया जो चल रहे थे, अभी अगर आप देखें उतना कवरिया जो है इसमें नहीं देखने मिल रहा है, बहुत सारा कवरिया निकल चुके हैं और फिर आपको शाम के टाइम में देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा कवरिया अभी हमें पीछे जो मिले थे वो सब कवरिया जो आएंगे तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा तादाद में भीड़ देखने को मिलेगा। अभी ज़्यादा तो नहीं मिल रहा है, आराम से मैं चल रहा हूँ ताकि आपको जो वीडियो जो है बहुत अच्छे से दिखे। मुझे धीरे धीरे चलना जाना पड़ रहा है, देख सकते हैं। और थोड़ी सी भी अगर किसी तरह का दिक्कत हुआ यहाँ से हम गिर भी सकते हैं, लेकिन आराम आराम से हम जा रहे हैं। ये सवेरे जो है सब बहुत ज़्यादातर कवरिया जो है ना सुइया पहाड़ को सवेरे ज़्यादा क्रॉस करते हैं, ठीक है। अभी तो अभी बहुत कम, जितना भी चल रहा है इसका बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा कवरिया सवेरे चले हुए हैं। आप मेरा वीडियो, ये हमारा सुइया पहाड़ है, अभी देखिए इधर जो है दुकान वगैरह जो है बन रहा है, इधर बना नहीं था, बीच में मेरा जो है वीडियो पॉज हो गया था, मुझे ध्यान नहीं था तो उधर शायद रिकॉर्ड नहीं हो पाया कुछ दूर तक। चलिए इधर आपको कुछ जो है मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से अगर आप देखें तो देख सकते हैं कि अच्छा कवरिया चल रहे हैं, बहुत बेहतर, मतलब कि पहले से जो है अभी देखिए लगातार जो है कवरिया बम हमें इस सुइया पहाड़ में दिख रहे हैं, लगातार इस प्रकार से हमें देख रहे हैं, देख सकते हैं। और टेढ़े मेरे रास्ते भी हैं और बहुत सारे कवरिया यहाँ पे रुक के फ़ोटो वगैरह भी अपना क्लिक करवा रहे हैं, ताकि देखिए यहाँ पे बहुत सारे बम जी हैं।
चलिए आगे चलते हैं, हम आपको दिखाते जाते हैं। देखिए पूरा जो है ना यहाँ पे ये पूरा चढ़ाव है, इस चढ़ाव को हमको पार करना होगा। उसके बाद जो है ना सबसे बड़ी जो कठिनाई वाला था यही था, लेकिन इसको अब सरल कर दिया गया। अब ओसे जो आप जैसे सुनते थे कि काफ़ी जो भीड़ भाड़ वाला रहता था और काफ़ी मतलब कि दर्द मतलब पेन वाला रहता था, वैसा अब यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिल रहा है। देख सकते हैं मैं इस पे चढ़ गया हूँ और आपको लगातार मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख सकते हैं सब बम जो है इसी पे चल रहे हैं, जिस पे पग डंडी पे चल रहे हैं, जिससे मैं चल रहा हूँ। आगे मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे तरीके से, देख रहे हैं पूरा एकदम लाइन से जा रहे हैं बम सब, एकदम सब कोई लाइन से जा रहे हैं आराम से। देख सकते हैं मैं भी इसी में चल रहा हूँ, काफ़ी धूप है फिर भी बम सबको आराम मिल रहा है हल्का हल्का। चलिए बम जी को कष्ट ना दें, हम ही कष्ट करें और इधर से हम चलना प्रारंभ करते हैं। थोड़ा सा जो है ना दिक्कत हो जाता है, चढ़ाव है तो इस मेरा बाइक का चेन काफ़ी लूज हो गया है, इसी वजह से हमको थोड़ा सा चलाने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा जो है ये चढ़ाव है और इस पर आपको कवरिया बम दिख रहा है। पूरा जो है ना बहुत मतलब कि वो ठोकर जो दे दिया है इसमें हमारा बाइक जो है थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे भी होटल खुल चुका है, यहाँ पे भी बहुत सारे कवरिया रुके हैं। अब जो है कवरिया का स्टॉपेज होगा क्योंकि काफ़ी धूप है, सवेरे तो सब कुछ चलते हैं लेकिन धूप में उसको रुकना पड़ता है। तो अब जो है कवरिया जब सब रुकेंगे किसी ना किसी दुकान में, और हर जगह जो है अभी दुकान लग चुका है देखिए, और सारे दुकान लग चुके हैं और बहुत सारे लग भी रहे हैं। अभी हम लोग सुइया जो है पहाड़ पार किए हैं और ये जगह जो है सुइया ही कहलाता है, और इसको क्रॉस करने के बाद हमारा जो है अबरखा आएगा। चलिए चलते रहते हैं, हम आपको दिखाते रहे हैं। देख सकते हैं पूरा जो है ना पूरा एक मार्केट टाइप का बना हुआ है और इधर अभी तक एक भी शिविर हमें नहीं मिला है। चलिए देखते हैं कहीं अगर शिविर मिलता तो ज़रूर दिखाएंगे। दुकान वगैरह तो आपको दिख ही रहा है कि दुकान वगैरह हर जगह लगा हुआ है। बम जी धीरे, देखिए इधर जो है होटल वगैरह चालू है, ये साइड वाला जो होटल है ये चालू है। आगे चलते हैं, आगे हम दिखाते हैं। बहुत बेहतर सुविधा है हर जगह, कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पे आपको फल वगैरह आराम से मिल जाएगा, यहाँ पे फल वगैरह ले सकते हैं। इधर देखिए इस होटल में आपको खाना वगैरह मिल जाएगा जो यहाँ पे होटल है, और बहुत जगह देखिए यहाँ पे देखिए बम जी कुछ बम यहाँ पे रुके हैं इस होटल में, और बहुत सारे बम जो है इधर रुके हैं इस होटल में। यहाँ पे भी आपको रहने और खाने का व्यवस्था मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पे भी रुके हैं बहुत सारे बम। अब चलते हैं आगे, यहाँ से अबरखा जो है हमारा 2 किलोमीटर है। चलिए देखते हैं 2 किलोमीटर का कवर सफ़र करते हैं, अबरखा तक मैं आपको लेके चलूँगा और पूरा दिखाऊँगा कितना कवरिया चल रहे हैं। लगातार जो है कवरिया इधर लाइट वगैरह भी सही जगह हर जगह लगाया हुआ है, ट्यूबलाइट दिया हुआ है, लेकिन जो है देना चाहिए वेपर वगैरह ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइटिंग हो और किसी तरह का दिक्कत ना हो। ट्यूबलाइट भी चलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे और बम सब चल रहे हैं। तो इस तरह देखिए यहाँ पे जो है बम सब कुछ कुछ ये से पैसे दे रहे हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा है, कुछ ना कुछ जो है बम सब बच्चे सबको देते जा रहे हैं। फिर यहाँ से भी आपको फिर एक चढ़ाव मिलेगा जो कि आपको चढ़ना पड़ेगा, और बहुत पहले मैं एक बार यहाँ पे रुके थे, ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं मूर्ति वगैरह आपको मिलेगा इस तरह, आप यहाँ पे जो है आप कुछ दान पुण्य कर सकते हैं, आरती वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। आते हैं, ठीक है आगे चलते हैं और आगे हम आपको दिखाते हैं। उतना धूप भी नहीं है, मौसम मतलब कि ना धूप है ना बरसात है, मॉडरेट वाला है,
तो कवरिया सबको चलने में आसानी होगा। और यहाँ पे देखिए फिर इधर दुकान आपका है और ये साइड भी दुकान है, इधर भी कवरिया सब रुके हुए हैं, हर जगह जो है कवरिया जो है आराम कर रहे हैं, रुक रहे हैं, मिल रहा है व्यवस्था, वहाँ पे खा रहे हैं और किसी तरह का दिक्कत। अनजान जो आते हैं उसको काफ़ी दिक्कत होने वाले हैं जो वाला है, देख सकते हैं इस होटल में भी जो ठहरे हुए हैं बम जी, ठीक है यहाँ पे भी देख सकते हैं सब कोई सोए रहे हैं, यहाँ पे खाने पीने का यहाँ पे खाए हैं। और आगे चलते हैं, बम जी जो है लगातार जो है आपको देखने को मिलेगा ही, और आज जो है गोड़ियारी नदी में काफ़ी बम देखने को मिलेगा, जो सवेरे निकले हैं तो लगभग लगभग जो है ना वो कटरिया क्रॉस कर गए होंगे, और तो हमें कुछ बम जो मिलने वाले हैं गोड़ियारी में वो कहाँ पे मिलेंगे और क्या कितना पानी है वो भी हम आपको दिखाने। ये है लोटनिया है जो कि अवरक्का के बाद आपको, सॉरी अवरक्का के पहले मिलेगा और सुइया के बाद मिलेगा, मतलब इस लोटनिया यहाँ पूरे में बालू जो है बिछा हुआ है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, बम जी को आराम से बम जी सब चल सकते हैं और हर जगह दुकान लगा हुआ ही है, दुकान खुल भी चुका है और बम रुक भी रहे हैं, ठीक है हर जगह देख सकते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर है जो कि दुकान शुरू हो चुका है और बन भी जाएगा पूरा दुकान, आपको लगभग एक दो दिन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। सुइया के बाद अभी हमें एक भी शिविर नहीं देखने को मिला है, यहाँ पे फिर एक आपका दुकान मिल रहा है संतोष भाई देवराज होटल लोटनिया, तो यहाँ पे भी आप आराम से ठहर सकते हैं, पानी वगैरह खाने पीने रहने सोने सब व्यवस्था होगा इस होटल में। आगे चलते हैं, आगे भी बहुत सारा होटल और भी है जो कि आपको देखने को मिलेगा, और कवरिया बम सब तो चल ही रहे हैं देख सकते हैं, पूरा रास्ते में आपको कवरिया बम मिलेंगे, पूरा रास्ता हमको दिख रहा है देख सकते हैं बम जी आराम से, बारिश हो जाता हल्का हल्का पानी का फुहारा रहता तो और मिलता है। यहाँ पे बोला भिलाई गेट के पास छत्तीसगढ़, एक निशुल्क सेवा शिविर होगा छत्तीसगढ़ का, यहाँ से 500 मीटर दूरी पे, चलिए देखते हैं कहाँ पे है 500 मीटर दूरी पे बोल रहे हैं। देखिए कुछ कुछ बच्चे यहाँ पे हैं, इतना स्पीड चला रहे हैं कवरिया पथ में, चलिए देखते हैं लगातार जो है पथ जो है बारिश हो गया तो लोकल आदमी जो है उनको भी वगैरह चलाने में, जैसे मैं हमको भी किसी तरह का दिक्कत नहीं हो रहा, लगातार मैं भी वीडियो कवर कर रहा हूँ, अदरवाइज़ अगर बारिश नहीं हुई होती तो मेरा जो हालत ख़राब हो जाता और मेरा बाइक का भी हो जाता चलाने में। और देखिए बारिश काफ़ी हुआ है खेतों में, जैसे पानी लग गया है खेतों में जो होता है ना, धर्मशाला आगे आपको मिलेगा बम जी, यहाँ से 39 किलोमीटर देवघर है, उससे पहले हम लोग को एक दलसिंह सराय धर्मशाला मिलेगा, उसके बाद हम लोगों को अब रखा काफी देर से बोल रहे हैं, मेरा कंठ सूख गया है, पानी तो प्यास लगा है, जो अब रखा होगा वहीं पे रुकेंगे क्योंकि वीडियो बीच में पॉज कर देंगे तो कट जाएगा, में पूरा वीडियो जो है आ जाए और आप देखते रहें। तो चलिए और हमें आगे ले चलते हैं, और हर जगह जो सुविधा स्टार्ट हो गया है, दुकान खुल चुका है, किसी तरह का कोई दिक्कत चाहिए आपको सारा मिल जाएगा, ठीक है, और साफ सुथरा पूरा जगह बना हुआ है, और जो बहुत सारे दुकान अभी भी बन रहा है मैं बता रहा हूँ कि जो जो दुकान नहीं बना है वो सारा दुकान अभी भी बन रहा है। देखिए यहाँ पे एक जो है मुझे लगता है ये दुकान ही बन रहा है, या तो शिविर कोई होगा, चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक दुकान ही बन रहा है एक बड़ा सा, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, शिविर होगा तो ज़रूर इसमें, हाँ ये एक छत्तीसगढ़ का शिविर जो है यहाँ पे बन रहा है, अगर मैं दिखाऊँ ये छत्तीसगढ़ का जो है, ये छत्तीसगढ़ का पूरा जो है ये आप जो देख रहे हैं ये छत्तीसगढ़ का पूरा शिविर बन रहा है, अभी शुरू स्टार्ट नहीं हुआ है, कम्प्लीट नहीं हुआ, हो जाएगा तो आपको पूरा यहाँ पर सुविधाएँ मिलेगा। हाँ चलिए
एक बीच में मिला यहाँ पे, और आगे एक दल सिंह सराय भी आपको शिविर मिलेगा, जिसमें कि फ्री में आपको सारे सुविधाएं मिलेंगे, सिर्फ खाने पीने का छोड़ के शायद। और सिवान में जो है खाने पीने का भी व्यवस्था मिलेगा, सिवान धर्मशाला में आप आराम से खाना पीना भी खा सकते हैं और आ सकते हैं। एक देखिए यहाँ पे एक मीरगंज जिला गोपालगंज, यहाँ पे एक निशुल्क जो है सेवा समिति एक धर्मशाला बनाया गया है, जो कि न्यू है, आप यहाँ पे भी ठहर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो दिख रहा है आप देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पे एक धर्मशाला जो है, ये हम आपका मीरगंज जिला गोपालगंज बिहार का है, इसका जमींदाता है तुला यादव, ठीक है, और पूरा इसमें धर्मशाला बनाया दिया गया है। आगे चलते हैं, आगे जो हमारा दल सिंह सराय धर्मशाला आ गया, चलिए वहाँ पे जो है यहाँ पे बासुकी बाबा का दर्शन कर लें, हर हर महादेव। आगे मैं आपको दिखाता हूँ आगे कैसा है, यहाँ पे बोलबम सेवा समिति यहाँ पे गेट है, आप सभी कांवड़ियों बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता है। यही है जो दल सिंह सराय धर्मशाला है समस्तीपुर के, तो एक बहुत बड़ा ये धर्मशाला है, यहाँ पे भी आपको पूरा जो है फ्री सुविधा जो मैं बताया था कि आपको मिल सकता है, तो आप यहाँ पे भी ठहर सकते हैं एकदम आराम से, आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, आप यहाँ देख, और बहुत अच्छा है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि किस जगह है, पूरे जगह जो है लाइटिंग व्यवस्था भी लगा रहा है, तो चल ही रहे हैं दल सिंह सराय, यही है दल सिंह सराय धर्मशाला, जिसमें कि सारा आपको फ्री सुविधा यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत कोई रोक के यहाँ पे पानी शरबत सारा ग्रहण कर रहे हैं, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे रुक के ग्रहण कर सकते हैं नींबू शरबत पानी। आगे चलते हैं, सत्तू वगैरह भी मिलता है, सत्तू का शरबत भी मिलेगा। हम सिवान धर्मशाला आपको आगे जो देखने मिलेगा, अवरखा में जो है सिवान धर्मशाला है, और अवरखा धर्मशाला वहाँ पे एक जो है आपको टेंट सीढ़ी भी बनाया गया, जो कि मैं आपको दिखाएंगे अभी, हम लोग उसी में चलने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा जो है दुकान हर जगह है लगा हुआ, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको कोशिश किया हूँ दिखाने का। चलिए आगे चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए कवरिया, फिर से एक सुरंग में एंट्री करते हैं, और ये हमारा खाते हैं हमको ये, यहाँ से हम लोग देखिए एक बम जी यहाँ पे जा रहे हैं डांस करते हुए, देख सकते हैं किस प्रकार से नाचते हुए जा रहे हैं बम जी, देख सकते हैं नाचते हुए जा रहे हैं, उनको पता नहीं कि पीछे से हमारा वीडियो भी कवर हो रहा है। चलिए और यहाँ पे है एक कवरिया गौतम सेवा संघ, छोटा सा यहाँ पे एक जो सेवा स्टार्ट किए हैं यहाँ पे अब रखा के पहले, और एक छोटा सा मंच भी है आगे पे देखें तो यहाँ पे भी कुछ बम चाह रहे हैं, बोल बम पूरा अब रखा जो है ना, अब अवरखा मिलेगा कि जो देख सकते हैं बैनर लगा हुआ यहाँ पे, और देखिए अब रखा हम लोग पहुंच चुके हैं, और आपको तो चलिए मैं आपको दोनों ही दिखा देता हूँ, देखिए होगा, और आपको सरकारी धर्मशाला है तो इधर जाना, टेंट सिटी बनाया गया है पे ठहर सकते हैं जो और प्रदर्शनी है यहाँ पे जो हर जगह का जो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छा से बनाया गया है, और इधर जो है बिहार के अन्य पर्यटक स्थल यहाँ पे देख सकते हैं, बाबा बैद्यनाथ धाम के अलावा और भी जो पर्यटक स्थल है यहाँ पे बनाया गया, और यहाँ पे रह भी सकते हैं, और ये सार्वजनिक कवरिया धर्मशाला